तो नाउ स्टूडेंट्स हमने बेसिकली एजाइल के रोल्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हुए हैं अब हम ये देखते हैं कि एजाइल को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं यानी हाउ टू मेक श्योर कि हम लोग एजाइल वे में ही काम कर रहे हैं उसको इंश्योर करने के लिए जो पहली चीज एग्जिस्ट करती है फ्रॉम द एग्जीक्यूशन व्यू पॉइंट यानी काम करने के हिसाब से वो है डेली स्टैंड अप या हम इसको स्क्रम बोर्ड भी बोलते हैं स्क्रम बोर्ड इसको इसलिए बोलते हैं कि ये ये प्रैक्टिस है कि डेली uh, uh, किसी फिक्स टाइम पे इन द मॉर्निंग मतलब अराउंड नाइन थर्टी या नाइन फोर्टी फाइव जितनी भी आपकी जितने आपके पार्टिसिपेंट हैं टीम के जब मैं पार्टिसिपेंट बोल रहा हूँ तो उसमें स्क्रम मास्टर का होना जरूरी है डेवलपमेंट टीम का होना जरूरी है फॉर द प्रैक्टिकल रीजन जो आपका प्रोडक्ट ऑनर होता है यानी इफेक्टिवली आपका क्लाइंट आइडियल सीनैरियो में जो आपका क्लाइंट है उसको स्क्रम का पार्ट होना चाहिए यानी डेली स्टैंड अप का पार्ट होना चाहिए ये मैं आपको आइडियल सिनेरियो कह रहा हूं लेकिन प्रैक्टिकली एट टाइम आपको ये फील होगा कि क्लाइंट ने एक बार बता दिया हमें कि हमने क्या काम करना है तो वो मौजूद हो या ना हो उसकी जरूरत नहीं है हैविंग सेड दैट स्क्रम बोर्ड इसको इसलिए बोलते हैं कि एक वाइट बोर्ड होता है जैसे हम लोग हम लोग क्लासेस में यूज करते हैं उस वाइट बोर्ड के हम तीन या चार उस पर लाइने ड्रॉ कर लेते हैं और सारी की सारी टीम स्क्रम बोर्ड के इर्द गिर्द खड़ी हो जाती है अब डेली अप या स्क्रम कंडक्ट करने का जो रूल है और ये रूल वॉलेट नहीं होना चाहिए वरना आपको एजाइल यू नो यू विल लूज एसेंस वो रूल ये है कि जो स्क्रम बोर्ड या डेली स्टैंड का ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 15 मिनट होना चाहिए रीजन रीजन ये है कि ये कोई आप समझे कोई लेंथी मीटिंग नहीं है ये स्टैंड अप है मतलब लोगों ने खड़े होना है व्हाइट बोर्ड के इर्द गिर्द तीन सवालों के जवाब आपको हर टीम मेंबर ने डेली देने हैं और इस मीटिंग को लीड करता है प्राइमरली स्क्रम मास्टर हर डेवलपर या हर टीम मेंबर आपको ये बताएगा कि उसने गुजरे हुए कल में क्या किया आज उसके उसके प्लान में कौन सा टास्क है और अगर कोई मसला उसको फेस हो रहा है कोई भी टास्क कंप्लीट करने में मतलब रिक्वायरमेंट समझ नहीं आ रही या क्वालिटी इंश्योरेंस ने कोई बग रिपोर्ट कर दिया है वो उसको समझ नहीं आ रहा या कोई डिपेंडेंसी है अमंग डेवलपर्स, ये स्टार्ट ऑफ द डे ही सेटल डाउन हो जाती है ये रूल औ, ये रूल ऑफ द थम है कि इन तीन सवालों के अलावा अमूमन डेली स्टैंड में और डिस्कशंस नहीं होती अगर कोई और डिस्कशन करनी है यानी कोई अगर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है टीम तो वो डेली स्टैंड अप का पार्ट नहीं होती उसके लिए आपको अलग से मीटिंग आपको कंडक्ट करनी है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ना वो ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने टाइम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना है यानी अगर पंद्रह मिनट से ज्यादा आपका डेली स्टैंड अप एक्सीड कर रहा है देन यू आर नॉट डूइंग ए जाइल एक्चुअली आई मीन मैंने ये देखा है कि एजाइल के नाम पे आई मीन फोर्टी फाइव मिनट घंटा सवा घंटा का स्क्रम चल रहा होता है तो एक्चुअली स्क्रम नहीं होता वो कुछ और ही चीज होती है तो एसेंस ये कि फिफ्टीन मिनट का टाइम एंड एवरी पार्टिसिपेंट इन स्क्रम मस्ट स्पीक और जो स्क्रम के अंदर टीम साइज होता है ना वो छः से आठ मेंबर मैक्सिमम हो तो तभी आप पंद्रह मिनट में अपनी सारी डिस्कशन रैपअप कर सकते हैं यहां पे जो स्क्रम मास्टर है उसका रोल बहुत क्रिटिकल है क्योंकि ही और शी हैज टू रन द शो यानी हर डेवलपर का मसला भी सुनना है और उसको सॉर्ट आउट भी करना है वाइट बोर्ड इसलिए है कि इसके अंदर तीन कॉलम है अब पहले कॉलम में आप आप सारे लिखते हैं कि जी टू डू टास्क सारे टास्क आप लिख दें फिर आपका एक कॉलम आएगा इन प्रोग्रेस का हर डेवलपर आके या हर पार्टिसिपेंट आके अपना जो वाइट बोर्ड पर टास्क लिखा हुआ है वो मूव कर देगा फ्रॉम टू डू टू आई मीन जो टास्क करने हैं टू इन प्रोग्रेस अगर कोई टास्क उसने गुजरे हुए दिन में ख़त्म कर लिया है उसको इन प्रोग्रेस वाले सेक्शन से ख़त्म करके मूव कर देगा डन में या क्यू ए में मूव कर देगा आई I मीन mean, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है बेसिकली आपने वाइट बोर्ड के तीन सारे सेक्शन बनाने हैं एक तरफ आपने सारे टास्क लिख देने एक सेक्शन आपके इन प्रोग्रेस का होगा एक सेक्शन आपका फॉर एग्जाम्पल क्यू ए का होगा एक सेक्शन आपका डन का होगा डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कॉलम यूज करती है इसलिए मैं कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं बता रहा सिर्फ आइडिया ये है कि पूरी टीम को पता हो वाइट बोर्ड देख बोर्ड देखिए उनका स्टेटस क्या चल रहा है यानी हर एक के पास भागना ना पड़े एवरी एवरीथिंग इज विजिबल ऑन द वाइट बोर्ड ऑन स्क्रम बोर्ड हर एक को पता है कि उस, उसके जिम्मे कौन सा टास्क है अगर उसने ड्यूरिंग द डे को टास्क कर लिया है तो जस्ट गो टू व्हाइट बोर्ड जो टास्क कंप्लीट कर ली है उसको रेलिवेंट सेक्शन में मूव कर दो दिस इज इट यानी इससे आपकी जो टीम है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है यानी टीम को पता है कि उसने आज क्या करना है अगर कोई टास्क हो गया तो उस टास्क को रेलिवेंट सेक्शन में मूव कर दे मतलब इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये एजाइल है मतलब हर एक को पता है हर एक को विजिबिलिटी है हर एक के काम की यानी एक टीम मेंबर को ये पता है उसका दूसरा टीम मेंबर कौन सा टास्क आज उसके जिम्मे है? अगर कोई डिपेंडेंसी है कोई डिस्कशन करनी है तो वो स्टार्ट ऑफ द डे हो जाए, यू डोंट वांट टू वेट टिल एंड ऑफ द डे तो ये बेसिकली स्टैंड अप का कॉन्सेप्ट है